Good morning, everyone. This is your Nilofar ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1, and in today's video I will explain you worksheet 4. So before starting the work, like always, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 29 October 2020. With this you will mention online classwork in your copies, and in today's video I will explain you lesson 7A. And the topic of the lesson is the invention of Vita-Wonk, which is written by Roald Dahl. Roald Dahl is the writer of this lesson. So, lesson number and lesson name with writer name is mandatory to mention on the copy. So, in today's worksheet, first of all, I will explain you word meaning. So, let's see. First is set to work. It means begin to work. Kaam karna, shuru kar dena. Second is recipe. Recipe, we can say the meaning instructions for making something. Means nirdesh diye gaye hote hain jisme kuch banane ke liye, that is called recipe. On third number it is written fir. It is a type of a tree with needle like leaves and cones. Cones we can say shanku type ka jo hote hain, that is called cone. So ek aisa tree jiski leaves jo hoti hain, pattiyan, wo needle ki tarah hoti hain aur usme cones bhi hote hain. On fourth number it is oak. It is a type of a tree, again a family of large trees with a hard wood. बड़े से जो ट्रीज़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े आकार के, उनकी फैमिली जो होती है जिसमें हार्ड वुड होती है, कठोर लकड़ी होती है, दैट इज़ कॉल्ड ओक. नेक्स्ट इज सीडर, इन हिंदी वी कैन से देवदार ऑल्सो. एंड एवरग्रीन ट्री, एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है जिसकी पत्तियां कभी भी नहीं झड़ती हैं, विद हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड. जिसमें हार्ड होती है, जिसकी जो वुड होती है लकड़ी रेड कलर की होती है, स्वीट स्मेलिंग, और उसमें बहुत अच्छी सुगंध आती है. मोस्ट ऑफ द टाइम टू मेक टेम्पल्स इसी जो वुड का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ सेडर ओनली, सीडर ओनली, सॉरी. नेक्स्ट इज पाइन. सो पाइन इज एन एवरग्रीन ट्री विद, पाइन भी आपका एक प्रकार का एवरग्रीन ट्री होता है, सदाबहार वृक्ष होता है, विद किसके साथ, विद नीडल शेप्ड लीव्स एंड कोन्स. अगेन इसकी भी जो लीव्स होती हैं वो नीडल शेप की होती हैं और कोन्स होते हैं इसके साथ. नेक्स्ट इज फ्ली. फ्ली हम हिंदी में कह सकते हैं पिस्सू. अ स्मॉल इंसेक्ट, एक प्रकार का छोटा सा कीड़ा होता है, लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स जानवरों की स्किन के ऊपर रहता है, फॉर देयर ब्लड, उनका ब्लड सक करने के लिए. नेक्स्ट इज ट्रैक डाउन ऑन एथ नंबर, फाउंड बाई सर्चिंग फॉर इट. अगर किसी चीज़ को सर्च करने के बाद जब आप ढूंढ लेते हो, सो यू कैन से ट्रैक डाउन. सो दीज वर वर्ड मीनिंग्स. नेक्स्ट इज मेक सेंटेंसेज विद दीज वर्ड्स बाई यूजिंग द मॉडल शुड. सो इन टूडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द न्यू मॉडल विच इज शुड. इट मीन्स चाहिए. नॉर्मली वी कैन से शुड मीन्स चाहिए. सो वॉट इज द यूज ऑफ दिस मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रो द नोट आई विल एक्सप्लेन यू दैट. सो शुड इज यूज फॉर गिविंग एडवाइस. वेन यू आर गिविंग एडवाइस टू समवन यू कैन यूज शुड. फॉर द ड्यूटी ऑल्सो यू कैन यूज शुड. एंड टू आस्क समवन्स ओपिनियन, किसी का ओपिनियन जानने के लिए भी आप शुड का यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वर्ड इज क्रॉस. सो द सेंटेंस वी हैव मेड इज वी शुड क्रॉस द रोड बाई ऑन जेब्रा क्रॉसिंग. सॉरी, हमें हमेशा जो रोड होता है वो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही क्रॉस करना चाहिए. दैट इज एन एडवाइस, एक प्रकार की सलाह है. सेकेंड इज टीज, मीन्स परेशान करना. वी शुड नॉट टीज अदर्स, हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए. दैट इज ऑल्सो एन एडवाइस. On third number it is written celebrate. So the sentence we have made, that is how should we celebrate this Christmas, हमें यह क्रिसमस किस प्रकार से सेलिब्रेट करना चाहिए. सो यू आर आस्किंग एनी अदर पर्सनस ओपिनियन. सो हेयर वी आर आस्किंग द ओपिनियन ऑफ समवन. नेक्स्ट इज हेल्प. सो द सेंटेंस वी हैव मेड, दैट इज वी शुड हेल्प द नीडी पीपल, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए. दैट इज आर ड्यूटी. नेक्स्ट इज हैजिटेट. सो द सेंटेंस वी हैव मेड, दैट इज वी शुड नॉट हैजिटेट टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलते समय झिझकना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए. दैट इज ऑल्सो एन एडवाइस. ऑन सिक्स नंबर इट इज स्पेंड, पेरेंट्स शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन, माता पिता को अपने बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करना चाहिए. दैट इज ऑल्सो एन एडवाइस. दीज वर द वर्ड मीनिंग्स एंड मेक सेंटेंसेस विच आई हैव एक्सप्लेन यू. आई होप एवरी थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ स्टिल एनी कन्फ्यूजन इज देयर, सो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो. आई विल मीट यू इन द अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो. टिल दैट कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय एवरी वन.